नमस्कार दोस्तों, स्टार्स अनफोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला IAF पायलट गुंजन सक्सेना के बारे में। गुंजन का जन्म एक आर्मी फैमिली में हुआ था। उनके पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे, ऐसे में उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गुंजन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में ही सफदरजंग फ्लाइंग क्लब से विमान चलाने के बेसिक टिप्स सीखने शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद गुंजन ने एयरफोर्स ज्वाइन कर वर्ष 1994 में वह उन 25 महिलाओं में शामिल की गई जिन्हें भारतीय वायुसेना ने पहली ट्रेनी पायलट के तौर पर चुना गया। उन्हें उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था। वह देश की सेवा करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें यह अवसर प्राप्त भी हुआ जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में गुंजन ने लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन के साथ भारतीय सेना के दो बड़े ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। गुंजन को ऑपरेशन विजय दिया गया। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल भारतीय सैनिकों के लिए खाने पीने की सप्लाई और हॉस्पिटल पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा गुंजन को पाकिस्तान की पोजीशन पर नजर रखने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। गुंजन ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। गुंजन छोटे से चीता हेलीकॉप्टर को अकेले उड़ा रही थी। उनका हेलीकॉप्टर ऐसी आशा बनकर पहुंचता था जो घायल सैनिकों और जरूरतमंद साथियों के लिए संजीवनी से कम नहीं होता था। दोस्तों, एक चुनौती और भी थी। उस इलाके में पाकिस्तानी सैनिक बुलेट और मिसाइलों से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को देखते ही निशाना बना रहे थे। वहीं गुंजन के छोटे चीता हेलीकॉप्टर में कोई हथियार नहीं था। हथियार के नाम पर INSAS राइफल और एक रिवॉल्वर था। इसके बावजूद गुंजन ने उत्तरी कश्मीर के इलाके में कई उड़ानें भरी, साथ ही भारतीय सेना के कई घायल जवानों को सुरक्षित निकाला। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशंस को पता लगाने के लिए उन्हें अक्सर पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब से उड़ानें भरनी पड़ती थी। ऐसे में एक बार गुंजन पर सीधा हमला हुआ। पाकिस्तानी सैनिक ने रॉकेट या कंधे के सहारे दागे जाने वाली मिसाइल सीधे उनके एयरक्राफ्ट पर दाग दी। हालांकि उसका निशाना चूक गया और वह एयरक्राफ्ट के पीछे पहाड़ी पर जा फटा। इन सब के बावजूद भी गुंजन ने अपनी उड़ान को जारी रखा। गुंजन को इस कार्य के लिए शौर्यवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों, उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल भी कहा जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल 7 साल के बाद खत्म हो गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के पायलट से शादी कर ली। गुंजन के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकाल कर लाना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह कहती हैं कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते यह सबसे अच्छी फीलिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुंजन सक्सेना से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें।